ये कहानी 12 साल के एक खतरनाक बच्चे के ऊपर आधारित है जो अपनी स्टेप मदर के साथ पलंग तोड़ना चाहता है। अब इसके लिए वो बच्चा किस हद तक चला जाएगा वो हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है व्हाट द पीपल शो और ये मूवी 1972 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम सारा को देखते हैं जो की काफी यंग और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। सारा नहा रही होती है लेकिन अचानक से उसका किस्मत उसका वही साथ छोड़ देती है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एलिस को देखते हैं जो पोल की वाइफ है। दरअसल आज से एक साल पहले सारा पोल की वाइफ थी लेकिन सारा की मौत के बाद पोल ने एलिस से शादी कर ली थी। पोल को सारा से एक बेटा भी था जिसका नाम मार्कस था। पोल एक बिजनेसमैन है जिसके कारण वो ज्यादातर बाहर ही रहता है। उसे ज्यादा टाइम नहीं मिलता इसलिए वो एलिस को मार्कस का ध्यान रखने के लिए भेजता है। पोल एलिस से बोलता है कि मार्कस एक हफ्ते के बाद अपने बोर्डिंग स्कूल से वापस आएगा लेकिन जब एलिस वहाँ पहुंचती है तो मार्कस एक हफ्ते पहले से ही घर पे था जिसपे एलिस उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे और मार्कस उसे बताता है कि हमारे स्कूल में चिकनगुनिया फैल चुका है और इस वजह से मुझे स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गई है। अगले सीन में जब मार्कस नहा रहा होता है तो पोल का फोन आता है और मार्कस के बाद पोल एलिस से बात करने लगता है। जब एलिस पोल से बात कर रही होती है तो पीछे से मार्कस उसके संतरे दबाने लगता है जिसपे एलिस को गुस्सा आता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन मार्कस का बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही रहता है। मार्कस को जहाँ मौका मिलता है वो वहीं एलिस पे डोरे डालने लगता है। कुछ दिन बाद फाइनली पोल अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है और पोल को देख के मार्कस भी नॉर्मल एक्टिंग करने लगता है। तभी सीन स्विफ्ट होता है और मार्कस एलिस से बोलता है कि मुझे पापा के पैसे में से कुछ पैसे चाहिए और जब एलिस वहाँ पैसे लेने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता जिसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि ये भी मार्कस की एक चाल है और वो सारी बातें जाके पोल को बताती है। लेकिन जब पोल चेक करने के लिए आता है तो उसे पूरे पैसे मिल जाते हैं जिसपे मार्कस पोल से बोलता है कि एलिस मुझसे जलती है क्योंकि ये मेरी सगी माँ नहीं है और तो और ये दिमागी रूप से पागल भी है। इन सब चीजों से परेशान होने के बाद एलिस मार्कस के स्कूल जाती है जहाँ पहुँचने के बाद उसे एक नई भसड़ मिलती है जहाँ एलिस को मार्कस के प्रिंसिपल बोलते हैं कि मार्कस को कोई छुट्टी नहीं मिली है बल्कि उसे एक महीने पहले ही स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि वो एक नंबर का ठरकी बच्चा था और वो हर किसी के साथ घवाघप करने की सोचता रहता था और बस इतना ही नहीं बल्कि वो सड़क पे जानवरों को भी मार देता था। घर पहुंचने पे एलिस सामान रख रही थी और उसे अपने बेडरूम के ठीक ऊपर एक होल नजर आता है जहां से सीधा एलिस का बेडरूम दिख रहा था। ये देखने के बाद वो समझ जाती कि ये सब कुछ मार्कस ने ही किया होगा ताकि वो इन दोनों को घबाघब करते हुए देख सके। जिसके बाद एलिस सीधा मार्कस के पास जाती है और उसे बोलती है कि सुन बे चूतिया तू ये सब क्यों कर रहा है तू अपनी सगी माँ के साथ भी ऐसा ही करता था क्या। जिसपे मार्कस बोलता है कि नहीं और बोलता है कि मुझे सारा को देखने में उतना मजा नहीं आता था जितना मुझे तुम्हें देखने में आता है। जिसपे एलिस उसे पूछती है कि आखिर सारा की डेथ कैसे हुई जिसपे मार्कस उसे बताता है कि दौड़ा पड़ने की वजह से। ये सुनने के बाद एलिस को मार्कस पे शक हो जाता है और वो उससे बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उस दिन बस तुम और सारा घर पे थे तो बताओ उस दिन क्या हुआ था। जिसपे मार्कस उससे पूछता है कि आखिर मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताऊं ये सब बताने का मुझे क्या मिलेगा। जिसपे एलिस उसे पैसे देने का लालच देती है जिसपे मार्कस उसे बोलता है कि तुम मेरे सामने कपड़े उतार के घोड़ी बनो और जिसपे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। भी मजबूर थी और वो मार्कस के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। उसके बाद एलिस उससे पूछती है कि बताओ उस दिन क्या हुआ था जिसपे मार्कस बोलता है कि सारा एक दिल की मरीज थी और ये बात मुझे डॉक्टर से पता चली थी। जिसे सुनने के बाद एलिस समझ जाती है कि मार्कस बस उसे बेवकूफ बना रहा है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो ये सारी बातें जाके पोल को बताती है और वो पोल को होल के बारे में भी बताती है लेकिन वहाँ जाके चेक करने पे उन्हें वहाँ कोई होल नहीं मिलता क्योंकि मार्कस ने वहाँ सब कुछ पहले ही ठीक कर दिया था। जिसके बाद पोल और एलिस में बहस हो जाती है और ये सब देखने के बाद पोल को भी लगने लगता है कि शायद सच में एलिस का दिमाग खराब हो गया है और वो पागल हो गई है। काफी हाथ पैर मारने के बाद अब एलिस को ये भी पता चल चुका था कि सारा को मार्कस ने ही मारा था क्योंकि उसने सारा के बाथटब में खराब हीटर लगा दिया था जिस वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब एलिस को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी थी कि मार्कस एक बहुत टेढ़ा बच्चा है जो कि एक लातों का भूत है न कि बातों का। और उसके बाद एलिस उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है और दिन ब दिन उसे मक्खन लगाने लगती है। लेकिन मार्कस एक साइको था जिस वजह से वो एलिस की मीठी बातों में आके बोलता है कि मुझे लोगों को जान से मारना बहुत अच्छा लगता है और वो एलिस को ये भी बताता है कि जैसे सारा मरी थी वैसे अब तुम भी मर जाओगी। और ये सुनने के बाद एलिस के होश उड़ जाते हैं और वो हर टाइम बस इसी के बारे में सोचने लगती है और उसे भ्रम होने लगता है कि मार्कस कभी भी आके उसे जान से मार देगा और वो दिन ब दिन और भी ज्यादा परेशान होने लगता है।
लगती है। अब उसकी मेंटल कंडीशन देखते हुए उसे पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ता है। कुछ वक्त रहने के बाद वहाँ एलिस की हालत ठीक हो जाती है, जिस वजह से पागल खाने वाले उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। अब फाइनली एलिस घर पे वापस आ जाती है और वो मार्कस और पोल के साथ समय बिताने लगती है। पार्क में जाने के बाद वो पोल के साथ अकेले में बात करने लगती है और पोल उसको शुक्रिया बोलता है। और वापस आने के बाद एलिस मार्कस से भी अकेले में बात करती है, जहां मार्कस उसे बताता है कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिसके बाद वो दोनों नॉर्मली सारा की डेथ के बारे में बातें करने लगते हैं और दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मिलकर पोल को मार देंगे और साथ में कहीं दूर भाग जाएंगे। मार्कस का वहाँ पालतू कुत्ता भी होता है जिसके साथ मार्कस खेल रहा था। तभी एलिस उसे किस करती है और मार्कस उसके साथ आगे बढ़ता है। तभी एलिस सामने से एक कार आते हुए देखती है और वो मार्कस से बॉल लेके कार के सामने फेंक देती है, जिसके पीछे मार्कस का कुत्ता जाता है और उसके पीछे मार्कस भी जाता है और कुत्ते के पीछे भागते हुए मार्कस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वो वहीं मर जाता है। जिसके कारण वहाँ देखने वालों की भीड़ लग जाती है, लेकिन एलिस उसे देख के भी नहीं रोती और न वो इस बात से खुश थी। और फाइनली ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 84% लाइक किया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।